हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल आरबी लाइव क्लासेस। आज हम आपको समीकरण को हल करना सिखाएंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन है 6/4 + 2x/3 = 6/4, ये भिन्न के रूप में दिया गया है। आपको सिंपल बना के एक्स का मान निकालना है। जैसे 4 और 3 जो नीचे वाला है, इसको हम एलसीएम निकालेंगे। जैसे 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम जो है ये 12 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि 4 3 12, 3 आया और 3 6 18, ऊपर वाला में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18 एक से, फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन हम लगा दिए। अब क्या करना है कि 3 का टेबल पढ़ के 12 पर लाना है। 3 4 12, 4 आया और 4 2 8, 4 से ऊपर वाला में हम मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 8x। जैसे हम फ्रैक्शन बनाते हैं उसी प्रकार से इसको भी हम बनाएंगे, और बाकी जो है सामने वाला उसको हम लिख देंगे एज इट इज। ठीक है, अब फिर क्या करना है कि ऊपर वाला 18x और फिर 8x है, तो 18 और 8 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 26x ये वाला हो जाएगा, और अपॉन 12 = 6/4। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे भी जो 26x/12 = 6/4, ये जो है सिंपल में आ गया। अब क्या करेंगे इसको, अकेले अकेले आ गया माने मिल कर, अब हम क्या करेंगे इसको कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि बराबर के जो दूसरे साइड में रहेगा उसके साथ, ऊपर वाला में नीचे से, नीचे वाला में ऊपर से कर देंगे। जैसे कि 4 में हम करेंगे 26 के साथ 4 × 26 1 से = और इसमें क्या करेंगे कि 12 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6 × 12। अब आगे वाला में क्या, सिंपल आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे 6 4 = 24, 6 4 = 24, 24 के क्या लिखेंगे, 4 और 4 2 8, 8 और 2 10, 104 x = फिर 12 6 72, ये आया सिंपली मल्टीप्लाई करके। अब क्या करना है आपको कि देखिए जो 104 है ये एक साथ क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो दूसरे साइड में जाएगा तो किस में चला जाएगा, ये डिवाइड में चल जाएगा, तो एक्स को हम यहीं पे छोड़ देंगे, क्योंकि आपको पता है कि एक्स वाला को एक तरफ किया जाता है, बिना एक्स वाला को एक तरफ किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 72 / 104, 104 ये किस में जाएगा, तो बट्टा में चला जाएगा। अब इसको सिंपली काटना है आपको, जैसे हम 2 से काटेंगे तो ये हो गया 36 2 72, और ये हो जाएगा 2 5 10, और 2 2 4 52, फिर 18, फिर 2 से काटेंगे 18, और फिर ये हो जाएगा 2 2 4, और फिर 2 1 2 21, फिर कटेगा 3 से 3 6 18, 3 7 21, इसका राइट आंसर क्या होगा, x = 6/7, ये हो जाएगा राइट आंसर, 6x + 3x/2, और 6x + 3x/2 = 6x + 2/4। ये क्या है कि ये अलग अलग भिन्न में नहीं है, ये एक ही भिन्न में है, तो आपको क्या करना है कि सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 4 के साथ क्या करना है, 4 के साथ हम मल्टीप्लाई करने देंगे 6x + 3x, ये एक के साथ नहीं, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब फिर 2 के साथ किसको करेंगे, तो 6x + 2, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब 4 में 6 से हुआ, 4 6 24 x + 4 3 12 x = फिर 2 में 6 से 2 6 12 एक से, तो एक, फिर 2 2 4, ये देखिए भिन्न से किस में बदल गया, सिंपल वाला में बदल गया। अब क्या करना है कि एक्स वाला को एक तरफ, बिना एक्स वाला को एक तरफ करना है। जैसे कि 24 x, अब और फिर + 12 x, अब इसको जोड़ भी सकते थे लेकिन एक ही बार का ला करके इसको जोड़ेंगे। जैसे 12 x इधर प्लस में है, बराबर के दूसरे साइड में लाइएगा तो क्या, तो माइनस में आएगा, क्योंकि एक्स वाला को एक तरफ किया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा -12 x = 4। ठीक है, तो देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है, तो इसको काट दीजिए। ठीक, क्योंकि देखिए अब मान लिया जाए कि 12 24 और 12 को जोड़ते तो 36 आता, 36 में से फिर 12 को घटाते तो फिर उतना ही आता, तो इसलिए हम क्या किए कि 12 में से 12 को घटा दिए, बस ये क्या हमारा 24 x बचा इधर, और फिर इधर बचा 4। अब क्या करना है कि 24 जो है x के साथ में मल्टीप्लाई में है, तो दूसरे साइड में हम भेजेंगे तो ये किस में जाएगा, तो डिवाइड में जाएगा, यानी कि x = 4 और अपॉन 24, तो 4 1 4, यानी कि 4 1 4, 4 6 24, 6 आया, तो इसका राइट क्या हो जाएगा, x = 1/6, यानी कि x = 1/6 हो गया ये राइट आंसर। चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन है,
टू अपॉन टू प्लस थ्री एक्स अपॉन थ्री इजकल टू फोर अपॉन नाइन। इसमें बस आपको क्या करना है, उसी प्रकार से एलसीएम निकालना है नीचे वाला का, लेकिन इसमें अंतर क्या है, अलग क्या है, तो देखिए ये दोनों के साथ तो एक्स नहीं है लेकिन एक के साथ एक्स है, तो इसको कैसे अमल करेंगे इसको हम देखेंगे। तो जैसे दोनों को हम एलसीएम निकालेंगे तो टू और को और थ्री का, तो इसका एलसीएम हो जाएगा हमारा सिक्स है। अब टू थ्री जो सिक्स, थ्री आया और थ्री टू जो सिक्स, ऊपर हो जाएगा सिक्स प्लस थ्री का ट्यूबल टू बाई पढ़ेंगे, यानी कि तीन दूनी छः दो और दो तीय छः एक से, ठीक है, इसकल टू चार अपॉन नाइन यानी कि फोर अपॉन नाइन। फिर क्या करना है कि ऊपर वाला में देखिए, अब क्या आया कि जब एक से आता था जैसे सिक्स एक्स प्लस सिक्स एक्स आता तो हम उसको जोड़ देते, लेकिन इनमें तो दोनों अलग अलग आ गया, तो आपको क्या करना है कि सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि नौ के साथ करेंगे छो प्लस छो एक से, और फिर बराबर चार में करेंगे छह से, ठीक है। फिर क्या करना है कि नौ में पहले हम छह से करेंगे, नौ छक चौवन प्लस, फिर नौ में छह से करेंगे, नौ छक चौवन एक्स इजकल टू छह छक चार छक चौबीस है, ठीक है। अब क्या करना है कि एक सलग एक तरफ बिना एक सलग एक तरफ करना है, तो यहां पे हो जा रहा है हमारा चौवन एक्स, चौवन एक्स बराबर चौबीस माइनस, देखिए ये प्लस में है दूसरे साइड में जाएगा तो माइनस में जाएगा, क्योंकि बिना एक्स वाला को दूसरे साइड में करना है, तो चौवन हो गया। अब आपको क्या करना है कि चौवन एक्स लिखेंगे पहले, चौवन एक्स इजकल टू चौबीस में से चौवन को घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा चार में से चार घटेगा तो जीरो, और पांच में से दो घटेगा तो तीन, तीस है, और यहाँ पे हो गया एक्स इजकल टू, देखिए ये मल्टीप्लाई में है दूसरे साइड में जाएगा तो ये बट्टा में चला जाएगा चौवन। अब इसको सिंपली काट लेना है, जैसे दो से काटेंगे तो ये पंद्रह हो गया, फिर दो से काटेंगे तो दो दूनी चार और फिर दो सात चौदह, सत्ताईस दूनी चौवन, फिर दो से तीन से कटेगा, तीन पांच पंद्रह, तीन नवा सत्ताईस, इसका राइट आंसर क्या आया, एक्स इजकल टू फाइव अपॉन नाइन, ठीक है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, अगर आप नए मेहमान हैं तो प्लीज चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना पसंद कीजिएगा ये भी जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।